हेलो, वेलकम बैक टू विदेशी ट्रेवलर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट खो गया तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सेफ्टी की बात करूंगा कि आप जब भी फॉरेन ट्रेवल करें तो आपको क्या सेफ्टी है वो अपनानी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट खो गया तो उस केस में आपको कैसे वापिस आना है इंडिया। सेफ्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले जब भी आप फॉरेन ट्रिप पे जाएं तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट की आपके पास हमेशा होनी चाहिए, स्कैन करके अपने ईमेल के ऊपर आप रखें। साथ में ही जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी फ्लाइट टिकट्स हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस है, आपका वीजा है, उसकी फोटो खींच के मोबाइल में रख लें। इसके साथ में आप उसकी दो कॉपी, हार्ड कॉपी बोलते हैं उसे, उसकी फोटो कॉपी भी ले लें हर एक चीज की। और वो फोटो कॉपी अगर आपके पास दो बैग हैं तो अलग अलग बैग्स में आप वो रख दें। मोबाइल के अंदर सॉफ्ट कॉपी हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट खो गया, वीजा खो गया, तो उस केस में आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी आप हो उसके नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप वहां रिपोर्ट करोगे तो वहां आपको एक FIR कॉपी है वो मिलेगी, तो उसको आपको सेफ रखना है। सेकेंड चीज, आपके आसपास जो भी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, अदर कंट्री से देख रहे हैं, तो आपकी जो एम्बेसी है आपको उस एम्बेसी में जाना होगा। तो आप इंडियन एम्बेसी में जाओगे, वहां पे जो कॉन्सुलेट है, ऑफिसर है, उसको जाके रिपोर्ट करोगे, उसे बताओगे, देन वो आपको एक फॉर्म देगा और वो फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर होंगे। पहली चीज, आपके पास पुलिस वाली जो FIR कॉपी है वो होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए, जो आपको खुद को ही एफिडेविट बनाना है। उस एफिडेविट में आप बताओगे कि आपका पासपोर्ट कब खोया और कहाँ खोया, दैट्स इट। और अपने आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके साथ में आपको अपना DOB का जो प्रूफ है वो देना है। आप DOB प्रूफ में आपका जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी दे सकते हैं, या फिर आपके अदर कोई इंडियन ID है वो भी दे सकते हैं। बेटर है कि आप पासपोर्ट दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में आप जहां भी रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस है उसका भी प्रूफ देना होगा आपको। अगर आप एड्रेस प्रूफ, अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं तो आपको होटल का प्रूफ है आपको देना होगा। और आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है उसकी कॉपी है तो आपको अपना ओल्ड पासपोर्ट है उसके स्टार्टिंग के दो पेज और लास्ट के दो पेज हैं उसकी दो फोटोकॉपी आपको देनी होगी और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। पुलिस की FIR हो गई है, एफिडेविट हो गया है और ये डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, ये आपको देने हैं। देन आप अप्लाई करोगे एम्बेसी में। जब अप्लाई करोगे तो एम्बेसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट की हेल्प से आप अपने होम कंट्री वापिस आ सकते हैं। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करने वाला हूँ। और आपने अभी तक ये वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।